हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो गेम मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है फ्लिपिन आउट। ये फन स्कूल की तरफ से है। इसे दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं और इसे 8+ एज के लोग खेल सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इसका फ्रंट पोर्शन और ये है इसका बैक पोर्शन। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये आपको मिलता है एक गेम बोर्ड, ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये आपको मिलता है लेटर्स लिखे हुए, अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, और ये सर्कुलर है जिसे आपको बोर्ड से निकालना है इस तरह, और ये भी है इधर। फिर ये एक आर ग्लास मिलता है आपको, ये एक एरो शेप का है प्लास्टिक का, इसे स्पिनर कहते हैं, ये भी मिलता है आपको। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कलर के पॉन्स मिलते हैं और 2 डेक ऑफ कार्ड्स भी मिलते हैं आपको। तो यही थे इस गेम के कंटेंट्स। चलिए अब देखते हैं इस गेम को खेलते कैसे हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है इस गेम का लेआउट। यहाँ पे आपको ये जो गेम बोर्ड मिलता है उसे इस तरह से प्लेस करना है और जो भी पॉन्स आपको मिले हैं उसके स्पेसिफिक कलर पे उसे प्लेस करना है। यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन लिखा होगा, वहीं पे आपको रख देना है। तो इस गेम में आपको एक स्पिनर बोर्ड भी मिलता है जिसे आपको असेंबल करना होगा। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक एरो है, एक बेस है और एक ये स्पिनर बोर्ड है। तो आपको क्या करना है कि ये स्पिनर बोर्ड के ऊपर, स्पिनर बोर्ड के ऊपर इस एरो को रखना और इस बेस को नीचे से इस तरह इस होल से ले जाना और फिर इस तरह फिक्स कर देना और ये इस तरह से घूमने लगेगा। तो ये आपका स्पिनर बोर्ड रेडी है। अभी यहाँ पे आपको डेक ऑफ कार्ड्स मिलते हैं जिसे आपको शफल करके फेस डाउन करके यहाँ पे रख देना है और आपको लेटर्स भी मिलते हैं इस तरह के सर्कल्स में। तो इसे आपको कुछ ऐसे प्लेस करना है कि सारे प्लेयर्स को सारे लेटर्स दिखें। इस गेम को आप 2 से लेकर 4 तक, या तो 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं या 4 टीम में खेल सकते हैं। जब आप 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आप टीम बना के भी खेल सकते हैं इस गेम को। इस गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपको बोर्ड पे एक स्टार्ट पोजीशन और एक फिनिश पोजीशन दिख रहा है, तो हर प्लेयर को ये जर्नी कंप्लीट करनी है और जो भी प्लेयर सबसे पहले फिनिश तक पहुँचता है वो इस गेम का विनर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गेम को खेलते कैसे हैं। तो जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो आपस में डिसाइड कर लीजिए कि कौन सबसे पहले खेलेगा, और जो भी सबसे पहला प्लेयर होगा वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको इस स्पिनर बोर्ड पे इस एरो को स्पिन करना है। जैसे ही आपने ये स्पिन किया एरो, वो किसी भी एक कलर के तरफ डायरेक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि जैसे ये अभी ग्रीन के तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे ही कभी वो ब्लू करेगा, रेड करेगा। तो अभी जैसे ये स्पिन हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको इस डेक में से कार्ड उठाना है। जो भी कलर की तरफ ये एरो डायरेक्ट कर रहा है उसका एक्टिविटी आपको ज़ोर से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे रेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट फूड्स। तो जैसे ही आपने ये, जिस भी प्लेयर ने ये स्पिन किया था उसने अपनी एक्टिविटी पढ़ दी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर है उसके लेफ्ट में वो गेम आगे बढ़ाएगा। तो जैसे ही अगले प्लेयर का टर्न आया वो एक ब्रेकफास्ट फूड का नाम बोलेगा और वो जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है वो इसमें से उस लेटर को फ्लिप ओवर कर देगा। तो मान लीजिए ब्रेकफास्ट फूड में मैंने पैनकेक बोला और ये है पी, तो मैं पी को इस तरह से फ्लिप ओवर करके रख दूंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर का टर्न आएगा, मान लीजिए कि अभी रेड वाले प्लेयर का टर्न आया, तो रेड वाले प्लेयर ने फ्रूट्स बोला तो वो एफ को फ्लिप ओवर कर देगा। और ये फ्लिप ओवर करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों लेटर्स से अब कोई भी दूसरा प्लेयर किसी भी आइटम का नाम नहीं बोल सकता है। अभी जितने लेटर्स दिख रहे हैं अब वो उसी में से चूज करके कोई भी नाम बोल सकता है।
और ये वर्ड या फ्रेज बोलने के लिए हर प्लेयर को 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, और इसके लिए आपके पास ये टाइमर है। तो जैसे ही मैंने ये एक्टिविटी पढ़ी और नेक्स्ट प्लेयर का टर्न आया, आपको ये ऐसे रख देना है और वो प्लेयर उतने देर में जिस भी लेटर से उसे आइटम बोलना है वो बोल करके उसे फ्लिप ओवर कर देगा। तो मान लीजिए इस 10 सेकेंड के अंदर वो प्लेयर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बना पाया जो इस एक्टिविटी से मैच करता हो, तो वो उस राउंड में आउट हो जाएगा। तो हर प्लेयर का गेस स्टार्ट होने से पहले आपको इसे इस टाइमर को स्टार्ट कर देना है, सो दैट उसके पास सिर्फ 10 सेकेंड हो वो वर्ड गेस करने के लिए और ये गेम थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए। तो इसी तरह वर्ड्स गेस करते करते उस पर्टिकुलर आइटम का, मान लीजिए कि 3 प्लेयर आउट हो गए, उनके पास वर्ड्स नहीं थे बनाने के लिए, तो जो फाइनल एक प्लेयर बच जाता है वो अपना पॉन एक स्टेप आगे कर देगा और यहाँ पे फिर वो राउंड वन खत्म होगा और ये कार्ड भी हटा दिया जाएगा। और अब इसके बाद राउंड टू शुरू होगा। राउंड टू शुरू होने के साथ ही सारे प्लेयर फिर से लाइव हो जाते हैं, ये कार्ड जो बाहर हो गया था वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे स्पिनर बोर्ड पे फिर से जो नेक्स्ट प्लेयर है वो इसे स्पिन करेगा, एक कार्ड फ्लिप होगा और उसमें कलर के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी आएगी वो पढ़ी जाएगी, और फिर इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जितने भी लेटर्स पहले हमने फ्लिप किए थे उसे आपको लेटर वाइज फिर से फ्लिप ओवर कर देना है। सारे लेटर्स ऊपर दिखने चाहिए और अब जो नई एक्टिविटी मिली है उससे रिलेटेड कोई वर्ड या कोई फ्रेज आपको बनाना है और वो लेटर्स अकॉर्डिंगली आपको फ्लिप करने हैं। तो ऐसे ही नेम्स गेस करते करते, वर्ड्स गेस करते करते, प्लेयर्स को हरा करके आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है और फिनिश तक पहुंचना है। जो भी प्लेयर सबसे पहले पहुंच जाएगा वो विनर होगा। इस गेम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो अब मैं आपको वो एक्सेप्शंस बताऊंगी। तो जो पहला एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आया जब सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो फ्लिप्ड ओवर है पर फिर भी कोई भी आउट नहीं हुआ है और सबके पास वर्ड्स हैं बनाने को, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि जितने भी आपको यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं इन्हें आपको पहले तो शफल कर लेना है और उसके बाद फिर आपको इसी फ्लिप्ड ओवर पोजीशन में ही, जबकि लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसे पोजीशन में ही सबको प्लेस कर देना है शफल करके। अब जब आप ऐसा करते हैं और जो भी प्लेयर का टर्न आता है उसे क्या करना होगा कि इन सारे में से कोई भी एक रैंडमली उठाना है और जो भी लेटर आएगा उसे इस टाइमर को ऑन करने के बाद 10 सेकेंड के अंदर उन्हें एक वर्ड या फ्रेज बनाना होगा। तो इस गेम का एक्सेप्शन, जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है ये कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आए और किसी एक्टिविटी के लिए किसी प्लेयर ने, जैसे कि मान लीजिए रेड वाले प्लेयर ने कोई एक वर्ड बोला और बाकी 3 प्लेयर्स में से कोई एक है जिसे वो सही नहीं लगता है, तो वो रेज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है कि ये वर्ड गलत है। उस केस में जो रेड प्लेयर है उसे 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा ये टाइमर ऑन करके उसे एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर 10 सेकेंड्स बाकी सारे प्लेयर मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि वो वर्ड सही है या नहीं। अगर वो वर्ड सही है तो गेम कंटिन्यू होगा, अगर वो गलत है तो उसी समय आउट हो जाएगा उस पर्टिकुलर राउंड से। तो फ्रेंड्स यही था इस गेम का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो और दूसरे गेम्स के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।